और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, बंगाल में बीजेपी टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प की खबर मिल रही है और इसके बाद दोनों पार्टियों की तरफ से जबरदस्त हंगामा किया गया है। खबर यह है कि दुर्गापुर में दिलीप घोष चुनाव प्रचार के लिए निकले थे और इसी दौरान आपके टीवी स्क्रीन पर न्यूज 18 इंडिया पर आप ये तस्वीरें देख रहे हैं झड़प की। काली में राघोपुर प्रखंड में बिजली के शॉर्ट सर्किट से लगी भीषण आग, हादसे में गेहूं से लदा ट्रक ट्रैक्टर जलकर खाक। मध्य प्रदेश के धार की ऐतिहासिक घोषणा का सातवें दिन भी हुआ ऐसा, किन स्थानों पर खुदाई का काम शुरू किया गया। पश्चिम बंगाल में बदला मौसम का मिजाज, हुगली में कई जगह हुई तेज बारिश, सड़कों पर पानी भरने से लोग परेशान हो गए। यूपी के झांसी में लोकसभा चुनाव से पहले चेकिंग अभियान जारी, पुलिस ने 70 लाख का कैश बरामद किया। पंजाब के तरनतारण में बीएसएफ को बड़ी कामयाबी, भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास से 350 ग्राम हेरोइन की बरामद। चुनाव से पहले 8,800 सिम कार्ड और नेपाली करेंसी मिलने के मामले की सुरक्षा एजेंसियों ने जांच शुरू की। बिहार के गोपालगंज में मिले थे सिम कार्ड। कर्नाटक के बेल्लारी में चुनाव से पहले 5.5 करोड़ से ज्यादा का कैश जब्त, 3 किलो सोना भी जब्त हुआ। एक शख्स को हिरासत में लेकर उसे पूछताछ जारी। महाराष्ट्र के नागपुर में भीषण हादसे में करीब 13 गाड़ियों को पहुंचा नुकसान, कई घायल यात्री हॉस्पिटल में भर्ती। यूपी के मेरठ में कपड़ों के एक शोरूम में बदमाशों का हमला, 10 से ज्यादा बदमाशों ने शोरूम में घुसकर मारपीट की। हमले में एक व्यापारी बुरी तरह से घायल। मालदीव की पूर्व मंत्री मरियम शियोना ने एक्स पर एक पोस्ट भारतीय तिरंगे का किया अपमान, विवाद बढ़ते देख एक्स से अपने पोस्ट को हटाया। रूस में बाढ़ से तबाही, तेज बारिश और बांध टूटने से डूबे कई शहर, उस शहर में 2,000 लोगों को बाढ़ से बचाया गया। यूरोप के देश आइसलैंड में फिर फटका ज्वालामुखी, आसपास के इलाकों में अलर्ट जारी। दिसंबर जनवरी और फरवरी में भी 3 बार फटा था ज्वालामुखी। हजारों इसराइलियों ने यरूशलम में संसद के बाहर की रैली, बंधकों की वापसी के लिए दबाव डालने के लिए रैली की गई। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान का पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर पर बड़ा आरोप, खुद के खिलाफ साजिश रचने का लगाया आरोप। इसराइल ने अमेरिका से कहा अगर ईरान इसराइल पर करेगा हमला तो इसराइल भी देगा मुंह तोड़ जवाब। नेतन्याहू ने कहा ईरान और उनके समर्थकों के खिलाफ एक्शन लेगा इसराइल। आतंकी संगठन हमास ने गजा में अलशिफा अस्पताल के पास हुए हमलों का वीडियो जारी किया जिसमें इसराइली टैंकों पर गोलीबारी होती दिखाई दी। गजा से हमास ने इसराइल पर फिर दागे कई रॉकेट, उनका वीडियो सामने आया। हमले में 7 अक्टूबर 2023 की घटना की याद की ताजा। T20 क्रिकेट में रोहित शर्मा का बड़ा कीर्तिमान, IPL के 17वें सीजन में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ रोहित शर्मा ने 27 गेंदों में बनाए 49 रन। IPL के मैच में मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को 29 रन से हराया। इस साल के IPL में मुंबई इंडियंस की यह पहली जीत है। T20 क्रिकेट में 150 मैच जीतने वाली मुंबई इंडियंस पहली टीम बन गई। लखनऊ सुपर जायंट्स ने गुजरात टाइटंस को IPL के 21वें मुकाबले में हरा दिया। लखनऊ में यह मैच 33 रनों से जीता। यश ठाकुर ने झटके 5 विकेट। सिनेमाटोग्राफर, प्रोड्यूसर और फिल्म मेकर गंगू राम से